नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सीबीएसई क्लास 9th इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक फ्लोर चार्ट बनाकर दिखा रखा है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम जो ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, इंट्रोडक्शन है, उसको एक बार देख लेते हैं क्या चीज कहना चाहता है, हर एक वर्ड का मतलब क्या है। उसके बाद हम फर्दर जो है एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं नंबर क्या है, नंबर्स कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो इसमें रटने वाला कोई पार्ट है नहीं, जितना आप समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए काम आएगा। ठीक है, जो वाला पार्ट है आपका नंबर सिस्टम वाला, ये आपका देखो इसमें रियल नंबर्स वगैरह जो पार्ट आपके हैं, ये आपके 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, तो यानी कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो उसको एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपना क्लियर करने चाहिए। ठीक है, ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है, तो यू कैन आस्क मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, नंबर्स आपको पता है, आपने सब में पढ़े हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, नंबर्स आपको पता ही है भाई, जैसे भी आपको जितने भी नंबर्स आपने देखे आज तक, देखे होंगे नंबर्स, नंबर्स तो पता ही है ना, कि नहीं पता आपको? नंबर्स पता है ना, नंबर जैसे कि आपने पढ़ा होगा, डिजिट्स के बारे में आपने पढ़ा है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 9 तक जो आपकी ज्यादा डिजिट्स होती है, तो आपको पता है। ठीक है, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से मिलकर के आपके नंबर्स बनते हैं, है ना, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से मिलकर नंबर बनते हैं। छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो हम पढ़ते स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम इंट्रोडक्शन को जो भी हमारा है उसको स्टेप बाय स्टेप एक बार हम समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है और क्या चीज आपकी इसमें है। ठीक है, देखिए पहली बात, नंबर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो आपका हो गया रियल नंबर्स वाला पार्ट, एक आपका आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट आ गया। देखिए, रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है रियल नंबर्स का मतलब, रियल नंबर्स एक्चुअल में है क्या चीज, रियल मतलब जो नंबर एक्चुअल में प्रेजेंट है, जिन नंबर्स को हम पढ़ते हैं, जिन नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स का मतलब क्या है, जो नंबर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, इसके बारे में आप जब पढ़ोगे तो 11th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें आप पढ़ेंगे, तो उसमें हमें जाना ही नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रियल नंबर्स मीन्स हो गया आपका जो नंबर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जो नंबर एक्चुअल में है। ओके, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। ओके, तो रियल नंबर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हो गए रैशनल नंबर्स, हो गए एक आपका हो गया इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम डिटेल्स में 1 by 1 जो है स्टडी करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। देखिए, देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रियल नंबर्स हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल नंबर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रैशनल्स और इरेशनल्स नंबर। चलिए उनको डिटेल्स में पढ़ने से पहले, रैशनल्स और इरेशनल्स को डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर्स के कुछ पार्ट्स हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसा कि आपने छोटी क्लास में भी इनको पढ़ा हुआ है। चलिए 1 by 1 एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए, होल नंबर्स की अगर हम बात करें, होल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 2 अप टू इन्फिनिटी, यानी जितने भी आपके नंबर्स हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, सारे आपके क्या होते हैं, आपके होल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स अप टू इन्फिनिटी, यानी जितने भी नंबर्स आपके आते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, देखो इंटीजर्स के अंदर आपके 2 पार्ट आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, दो पार्ट्स आते हैं इसके अंदर हमारे, पॉजिटिव नंबर्स और एक नेगेटिव नंबर्स।
ठीक है। इंटीजर्स के अंदर हमारे दो पार्ट्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके नंबर्स आपके हैं, जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, सपोज कि जिससे आपको बताते ना, देखिए जितने भी आपके नंबर्स, जैसे आपके नेगेटिव नंबर्स हो गए माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, 2, 1, ये सारे जो नंबर्स आपके हो गए नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये नंबर्स आपके हो गए, इंटीजर्स हो गए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो सब आपके आ जाते हैं इंटीजर्स में, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स का पार्ट, हो गए बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले वो समझाइए। तो अब हम रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गई इतनी बात, चलिए अब रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या, ठीक है। रैशनल नंबर्स होते हैं, दीज आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू, यानी फ्रैक्शन जो है आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर जो आपका क्यू है, ये जो डिनोमिनेटर में आपका है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो इसमें हम लिखा ना पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता है ये बेसिकली ऊपर वाले जो पार्ट को कहते हैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर आपका है, जो डिनोमिनेटर है आपका क्यू, वो जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है रैशनल नंबर्स की। अब आप कहोगे सर रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स की कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। देखिए टू अपॉन में 3, 0, -5 एंड वी कैन से दैट -5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे क्या हो गए इसके एग्जाम्पल, किसके रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स। अब देखो रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स कैसे हुए, देखो बताते वन बाय वन। ये तो आपका है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ये है कि नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है भाई, इसका न्यूमरेटर भी इसका डिनोमिनेटर भी है, लेकिन आप 0, -5, 2 और 5 कैसे हो सकते हैं आपके रैशनल नंबर्स। चलिए बताते हैं, देखिए अगर हम 0 की बात करते हैं, ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, है ना। तो 0 के नीचे देखिए, देखो आपको पता है किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 0 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 0 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बस समझ में आई नहीं, समझ में आई। देखो 0 का जो डिनोमिनेटर है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 कैन बी एनी नंबर, दैट्स व्हाई 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब -5 रैशनल नंबर्स किस तरीके से, क्योंकि भाई इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या है, 1 है, क्योंकि 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो -5 ही आएगा ना, ऑब्वियसली बात है। सिमिलरली जो आपका देखा है 2 और 5, इनके नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या है, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, बात समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स को 3 पार्ट्स में हमने एक्सप्लेन किया था, एक तो होल नंबर्स आपको बताया था, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको बताया था, तीसरा आपको बताया था इंटीजर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों चीज क्या है, इसके पार्ट्स है, किसके रैशनल नंबर्स के पार्ट्स आपके, ठीक है। क्यों है रैशनल नंबर्स के पार्ट, क्योंकि देखो होल नंबर्स जो है वो भी आपके पी ओपन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया एग्जांपल, ठीक है। 0 के नीचे कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं और बाकी जो नंबर्स बचे उनके नीचे 1 हो सकता है। नेचुरल नंबर्स भी आपके इसके अंदर आ गया, इंटीजर्स यानी नेगेटिव नंबर्स को भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज 1.1। टिल दैट थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।